ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਲੁੱਟਮਾਰ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਬੜੀ ਛਿੱਲ ਪੱਟ ਹੋਣੀ ਹੈ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਦੇਖੋ ਪੂਰੇ ਜੋ ਇੱਥੇ ਦਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਆ ਉਹ ਹੀ ਤਮਾਮ ਮੰਡੀਆਂ ਦਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਹੈ, ਲਾਗੇ ਲਾਗੇ ਪੰਜਾਂ ਤਹਿਸੀਲਾਂ ਦਾ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਦੀ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ। ਕਰੇਲੇ ਦਾ ਕੀ ਰੇਟ ਚੱਲਿਆ ਅੱਜ? ਅੱਜ 100 ਰੁਪਏ ਮਗਰੋਂ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ ਪਿਆ, 100 ਰੁਪਈਆ ਮਗਰੋਂ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ ਪਿਆ ਤੇ ਬੈਂਗਣ खीरे गोभी मिर्चा टमाटर मिर्चा टमाटर का खास पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम चाचा। चाचा अज मिर्चा टमाटर कहते महंगे हो गए है, ओदी वजह सवेरे छुट्टी है। की रेट पाई जाना मिर्चा? मिर्चा 140 टमाटर 130। देखो टमाटर 80 रुपए किलो सी कल, अज 130 हो गए। मिर्चा की रेट सी कल? 80 रुपए किलो। 100 मिर्चा भी 180 सी, अज 140 हो गई। क्या बात है। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। ब्रेकिंग न्यूज के साथ हाजिर। इससे पहले ये बताना था कि किस तरह 12 रबीउल अव्वल अल्लाह ताला सबको मुबारक दिन करे, किस तरह ये महंगाई कर देते हैं। ये कल की फिल्म है, आज छुट्टी है पूरे पाकिस्तान में, तो उन्होंने रेट हाई कर दिया। तलब और रसद वाला चक्कर यहाँ पर भी थोड़ा। जब हम गरीब थे ना तो 12 रबीउल अव्वल को भी हमारे घर अच्छा खाना पकता था, कहाँ से हमारे माँ बाप अरेंजमेंट करते थे, तो ये वो ही जानते हैं। तो ये हम ऐसे जालिम हैं कि कर लेते हैं। एक और अफसोसनाक खबर सुन लीजिए जी, ये वाले उसमें जो वीज़े लगवा के जाते हैं लोग, ये मिडल ईस्ट, खासकर मिडल ईस्ट में, वहाँ पे क्या जेब कतरों में बड़ी तादाद पाकिस्तानियों की है। जितने फकीर गिरफ्तार होते हैं इनमें 90% पाकिस्तानी होते हैं। सेनेट की कानून कमेटी समंदर पार पाकिस्तानी के सेक्रेटरी राणा महमूद हसन का इंकशाफ चेयरमैन मंजूर काकर की जेर सदारत इजलास में राणा महमूद का कहना था कि ये लोग ज्यारत पर भीख मांगना चाहते हैं, ज्यादातर उमरा वीजा पर होते हैं। इराकी और सऊदी सफीर कहते हैं कि आप आदि मुजरिम भेजते हैं। राणा महमूद हसन ने कहा कि हमारे वजीर आजम भी जाते हैं तो समझा जाता है मांगने आए। ये जनाब अली है, मिडिल ईस्ट में जाते हैं तो बेकार ही जाते हैं, इनके पास सोर्स भी होते हैं, पैसे भी होते हैं, तो फिर वीजे लगवा लोग होकर चले जाते हैं। इनकी खवातीन भी जाती हैं और वो आ गया समझ गए, फैमिली शो है ना, तो वो क्या करती होगी वहाँ। अच्छा जी, ये तो बहुत दुख की बात है, बहुत दुख की बात है। एक और सुन लें जी, वो 10-12 घंटे तो जो जेदे चंगड़ वाली फिल्म नहीं चली थी, उसके बाद उसने फिल्म रिलीज कर दी। अब वो चल रहा है जो अफनान करिज ब्लैक बेल्ट हैगा, उन्हें तो होता तो वो जिना बिली शूटिंग सोशल मीडिया पे विल है, इसी काम पे लगे हुए, किसने किसको ज़्यादा धोया। फर्स्ट अटैक होता है ना जो, वही लास्ट अटैक होता है। एक दो ने पता नहीं थप्पड़ या कुछ होने यहाँ पे मत्थे पे मारा है उसके, मरवत ने। कल का दिन मरवत का था, एक तो वहां ट्रोलिंग हो रही थी वो भी उसको था, दूसरा कड़क में जो निकला वो रैली शैली जिस तरह की मरियम निकालती ना, इस तरह की दिन एक जुलूस जलसा बन गया। पुलिस ने ताड़ा ताड़ तसा तस वहां पे बंदे गिरफ्तार किए वगैरह वगैरह। अच्छा, अब ये बस एक मजबूरी होती है। हमने भी जिंदगी में बड़ी मजबूरियां काटी, कभी बच्चे दे आ जाते, कभी क्या आ जाता है, फैमिली मैटर्स आ जाते हैं। अभी भी मजबूरी में हैं तो हथौला रखा हुआ है मिस्त्री मुनीर पे। कहते मिस्त्री मुनीर कौन? वो मिस्त्री ऐसे हर काम कहते मैं कर लेना। लाहौर में अपेक्स कमेटी का कल इजलास किया, भाई तेरा उसमें क्या अपेक्स कमेटी में? पेशावर में किया, मैं ज़रात भी कर लेनी, मैंने वो डॉलर भी ऊपर नीचे कर लेना मैंने फलाना, तो इस वजह से उसको मुनीर मिस्त्री कहते हैं। अच्छा जी, उसकी मैंने कहा कि हमने उस पर हथौला रखा हुआ, कोई मजबूरी है, कोई हम भी ब्लैकमेल होते हैं। अब ये जो है ना जा रहे मरवत साहब दुबई, अपने बच्चे शिफ्ट कर दिए ना, तो एक हफ्ते के लिए जा रहे, करे खान को मैंने बता दिया, जबकि नहीं जाना चाहिए था।
पहले 2 दिन तो कोर्ट बंद है, खान के केस भी नहीं, वगैरह वगैरह। चलो ठीक है जी। दूसरा ये ब्रेकिंग न्यूज का, ये भी ब्रेकिंग न्यूज थी, कोई छड़ के जा रहा, मैदान ही छड़ के जा रहा। मैं वैसे ही नहीं कहता, जेड़ा कपोई ही लाल है, वहां सराकी में कहते हैं ना, जो भी तरबूज तोड़ोगे तो वो ही लाल निकलेगा। शुएब शहीन साहब पीटीए की बड़ी बड़ी वो करते हैं, ऊपर ऊपर से मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को खटकाते, शाम को गेट नंबर 4 पे जाके बूट चाटते हैं वगैरह वगैरह। कल हुआ था, मतलब कि मैं बता रहा हूँ कि मैंने इनके खिलाफ इस वजह से, कल एक सबसे बड़ा था केस, शेख रशीद पिटिशनर था, काजी साहब के साथ उसके बड़े प्यार मोहब्बत वाले डायलॉग हो रहे थे, शुएब साहब सही है ना, हाँ जी, एक कहना मलिक साहब थे, दूसरा कहना मार साहब, दोनों मरासी थे, ये वाली गेम चल रही थी। अच्छा जी, उस वक्त इसने क्या, सर मैं जान की मान पाऊं तो अर्ज करूं, एक पिटिशनर है ही नहीं, उसका वकील वजीर बन गया तो शीधे को गैप किया हुआ नहीं कहा ना, इस वजह से मैं छोटे छोटे टिप आपको दिया करूंगा कि ये देखो वहां पे जाते हैं क्या गाल नहीं करनी। काजी साहब उससे ये मिला था, ये भी ब्रेकिंग न्यूज का हिस्सा भाई जान जी, इस रोलिंग से पहले काजी के कमरे में क्या लेन गया था, नोकी निकी ला के गया जी, अगर इतने तालुकात तो इमरान को दिलवा फिर वहां पे। वो कह रहे जी नवाज शरीफ अली बारक झूठ बोलने में ये दे तू लाया, पाकिस्तान मीडिया और हमारी ये जो 40 का टोला है ना, कुत्तों वाली हड्डी डालने वाले ये वाले, जिस कमरे में रखा हुआ लाडे को उसमें ना शायद का कान बासी रहा, ना यूसुफ रजा गिलानी, ना ये मोरता मिले बांध रहे थे ना, ना ही नवाज शरीफ रहा, वो तो है ही सी कैटेगरी का कमरा, तो वहां से कहां से आ गया, स्प्लिट भी नहीं वहां पे लगा हुआ। अगर वो कहते ना वही कमरा नवाज शरीफ तो स्प्लिट वाले कमरे में था, वहां पे तो स्प्लिट भी नहीं लगा हुआ। अच्छा जी, ये भी बात हो गई, खान ने बता दिया जो भी बात सोचते हैं, 10x10 में बंदे क्या वॉकिंग कर सकता। हमारे के ताले काले थे बशीर साहब, अल्लाह जनरल जी के बड़े दिलेर बंदे, तो बशीर भट्ट साहब हम कहते थे वो राजपूत, वो वॉकिंग करते थे 10x10 में, और 10x10 में तो क्या वॉकिंग होगी यार, 10 फुट इधर को तो 10 फुट इधर को, उस कमरे में क्या वॉकिंग होगी। तो ये मैं बता रहा था कि ये उनका है, अब क्या किया जाए, जो मार्केट में जैसे भी होंगे तो उसी की अवेलेबिलिटी करनी है ना। एक और बात कर लेते जी, अब भी आ गई जी मेन मेन माखज, कर्नल हसन, अच्छा जी कर्नल हसन साहब काजी साहब के घर जाके उनको क्यों मिले, ISI के हैं, रिटायर कर्नल है, ISI के हैं। अच्छा जी, वैसे तो भड़के बड़ी मारता था वो, कुत्ते बिल्ले असद तूर और कयूम सिद्दीकी और मतीउल्लाह जान और तलत हुसैन और वो पीकू जो था जवेद नुसरत, ये बोले ने क्या करने गया था, वैसे तो इनको पू मारे तो पता लग जाता जी हाँ, जो उसकी हवा निकल गई है, एक बात ये हो गई, उसने कुछ कहा। उसके बाद वो गया बाकर नजवी के घर, ये बाकर नजवी जो लाहौर से गया हुआ, जो ट्रक जिसकी ऑडियो निकलाई, ट्रक बोए तक खड़ा, एक करोड़ को मेरे या 10 करोड़ को ट्रक कहते हैं, ये फैसल चौधरी और डब्बू चौधरी जाने। अच्छा, उसमें तो 2-3 है, एक तो उसको कहता हूँ कटिए तो साढ़ा ख्याल रखेंगे, ये मैंने आगे अपने सारे ख्यालात अपने हैं कि हमारा ख्याल रखेगा कि नहीं रखेगा, वरना तो मसूद ने, सरदार मसूद ने तेरे खिलाफ लिख दिया, तेरी छुट्टी हो गई, हो गई अक्टूबर के बीच में इजलास बुलवा लेंगे, छुट्टी हो जाएगी, ये भी मैंने तर्जमा किया। अच्छा जी, इनका क्या काम है जी, जजों के घर जाना, वहां बाकर नजवी को ब्लैकमेल ही करना था, हालांकि उसने मनी ट्रेल दे दी, उसके बेटों ने केस भी किया हुआ इस्लामाबाद, वो CIA का एजेंट जो है आमर फारूक, वो निकाले, उसकी मर्जी है कि जी मारी ये मनी ट्रेल, तो ये इन लोगों के खिलाफ हथ के शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह।
यरहाकुमुल्ला, जो सुने वो ये कहे तो गुजन हाइत, गुजन हाइत कहते हैं डोच में, अल्लाह ताला तुझे सेहत दे, ये सेहत के लिए हो, गुजन हाइत, गुजन कहते सेहत। अच्छा जी, इनका वहाँ पर क्या काम था कि जी वहाँ पर जब मैंने कहा था ये 10 कदम में ख़त्म कर देंगे, ब्रेकिंग न्यूज़ और भी आगे आगे, इसके बाद पॉलिटिक्स का आएगा तड़का, उसमें भी कुछ खबरें कर दी जाएंगी। अली जफर ये भी नहीं बोंका कि जी शिदत अली इसका पटिशनर है, वो शिदत अली को उठाया हुआ है, नहीं बोला, उसको भी पता, उस बगैरत रामी पिल्ले काजी को भी पता, लेकिन ये सारे इस तरह ही है ना। उस शेख रशीद का जो वकील का आगे वकील गया था उसने कहा, ना अली जफर ने कहा, ना शुएब शहीन ने कहा, फिर ये क्या होता है। फर्रुख हबीब को भी उठा लिया गया, गैप कर लिया गया, चलो यही ये भी काजी के मुंह पे चुमानता है कि तेरे जो जज हैं हमें ये कर रहे हैं, चलो जल्दी जल्दी नाच जाते हैं, 10 कदम में इसको ख़त्म करते हैं। आपके फीडबैक का मुंतजर, पाकिस्तान जिंदाबाद।